दोस्तों वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सूर्य प्रताप से व्लॉग में आप सभी का स्वागत है। और मैं आज खड़ा हूँ राजनगर एक्सटेंशन के गोल चक्कर पे। आप लोग देख सकते हैं ये है राजनगर एक्सटेंशन का गोल चक्कर जो कि मेरे इस हाथ पे है। आप लोग देख सकते हैं लेफ्ट हैंड पे आपको दिख रहा होगा। तो दोस्तों ये मैं आज आ गया हूँ आपके लिए नया व्लॉग लेके। सभी लोगों का वेलकम है मेरे यूट्यूब चैनल में सूर्य प्रताप ऑफिशियल व्लॉग में आप सभी का स्वागत है। आप ये देख सकते हैं मेरे पीछे काम चल रहा है, कैसे लोग इतनी ठंड में भी काम कर रहे हैं। तो सभी लोग अपनी रोजी रोटी के लिए बेसिकली काम करते हैं। आप लोग देख सकते हैं ये लोग अभी तक जाल बिछाने में लगे हुए हैं, इसको कंप्लीट करके तभी वो लोग थोड़ा सा जा पाएंगे, फ्री हो पाएंगे। तो दोस्तों आप लोगों को पता है कि हमारे यहाँ पे हर तरह का आदमी है अपने, तो जो बेचारे डेली कमाते हैं डेली खाते हैं, तो वो लोग अभी तक आप लोग देख सकते हैं मैंने बताया कि अभी तक वो लोग काम कर रहे हैं। ये महिलाएं भी काम कर रही हैं, आप देख सकते हैं मेरे पीछे लेडीज़ें अभी रात तक काम करती हैं, आप लोगों को दिख रहा होगा। दोस्तों ये जब सिचुएशंस होती हैं, मजबूरियां होती हैं, जब आदमी को काम करना पड़ता है, तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कुछ लोगों के पास मजबूरियां होती है जो देर रात तक काम कर रही हैं। आप लोग देख सकते हैं मेरे पीछे लेडीज़ें ईंट उठा के ले जा रही है, तो वो लोग रात को भी इनको काम करना पड़ रहा है, तभी वो लोग अपने बच्चों का पेट भर सकती हैं, आप लोग देख ही सकते हैं। तो दोस्तों हमारे यहाँ हर तरह का आदमी है, कोई गरीब है कोई अमीर है, तो किसी किसी को दो वक्त की रोटी भी नसीब नहीं होती है दोस्तों। तो हर तरह का आदमी प्रेजेंट है। ये लोग भी हैं जो मेहनत करके अभी तक, सोचो शाम के 7 बज गए हैं और आप लोगों को मैंने दिखाया है कि यहाँ की लेडीज़ें काम कर रही हैं, यहाँ से कुछ पैसा मिलेगा तभी वो अपने बच्चों के लिए कुछ सामान ले कर जाएंगी, क्योंकि उनके बच्चे हो सकता है भूखे हो और वो वेट कर रहे हों उनकी माँ आए और उनको उनके लिए कुछ सामान लाएँ, तो खाने का सामान लेके आए तो खाना बना सके। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो आप लोग देख ही सकते हैं। हेलो दोस्तों, आपको मैं दिखाना चाहूँगा कि रात का समय हो गया है और शाम के 6:30 बजने जा रहे हैं और मैं आप लोगों के लिए व्लॉग बना रहा हूँ। तो जो भी मेरे चैनल से अभी जुड़े नहीं हैं, सभी लोग जुड़िए मेरे चैनल पे और मेरी वीडियो को देखिए। अगर वो वीडियो अच्छी लगती है तो उसको लाइक करें और सब्सक्राइब कर ले मेरे चैनल को, बेल आइकन को प्रेस कर ले दोस्तों, ताकि मेरी वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुंचता रहे। आप लोग देख सकते हैं मेरे जस्ट पीछे जो एरिया है राजनगर एक्सटेंशन का एरिया है, जो कि राजनगर एक्सटेंशन का गोल चक्कर है। आप कहीं से भी आएँगे राजनगर के लिए तो आप इसी गोल चक्कर से ही सोसाइटियों में एंटर करेंगे। तो ये पूरा सोसाइटी का ही एरिया है, यहाँ चारों तरफ सोसाइटियाँ बनी हुई हैं। तो दोस्तों आप लोग देख सकते हैं मेरे आगे पीछे चारों तरफ सोसाइटी ही सोसाइटी है, आप लोगों को दिखा देता हूँ। और ये रोड है जिससे कितनी सारी गाड़ियाँ बराबर चलती रहती हैं और सभी लोग इस समय शाम के बज गए हैं 7, तो सभी लोग अपने घर को निकल रहे हैं। आप लोग देख सकते हैं शाम को और सुबह को ट्रैफिक ज़्यादा हो जाता है, क्योंकि शाम को सभी लोग ऑफिस दफ्तर से अपने घर पे वापस आते हैं और सुबह सुबह जाम इस वजह से लगता है क्योंकि सभी लोग ऑफिस जाने वाले होते हैं, अपने अपने दफ्तर पहुंचना होता है टाइमली, क्योंकि सबका टाइम फिक्स होता है। तो दोस्तों उसी हिसाब से लोग अपना शेड्यूल से ही जाते हैं, जो टाइमिंग होती है ऑफिस की उसी हिसाब से सभी लोग निकलते हैं। तो आप लोग देख सकते हैं कितना बिज़ी रूट है और बहुत सारी गाड़ियाँ बराबर चल रही हैं। हेलो दोस्तों, ये क्रोमा का सर्विस सेंटर है, इस पर सभी तरह की सर्विसेज अवेलेबल है, लाइक फ्रिज, वॉशिंग मशीन और यानी कि हर तरह की फैसिलिटी है। मोबाइल से रिलेटेड मोबाइल वगैरह ख़रीदना हो या कुछ भी हो, एसी भी अवेलेबल है और सारी फैसिलिटी है। ये है मेरे पीछे ही जस्ट क्रोमा का सर्विस सेंटर है, इस पर सारी ही चीज़ें अवेलेबल है और लिखा भी है क्रोमा एक टाटा इंटरप्राइजेस, तो इसमें टाटा कंपनी का भी कुछ है रोल। तो दोस्तों
मैं अपने फ्रंट कैमरे से बैक कैमरे से मैं आपको दिखाना चाहूँगा। ये देख सकते हैं, ये चारों तरफ व्यू दे रही है। ये है क्रोमा का सेंटर जो आप लोग देख पा रहे हैं। ये मॉल है नया, बहुत ही ज़बरदस्त मॉल का सीन है जो कि बहुत ही एरिया को कवर कर रहा है। ये राजनगर एक्सटेंशन में न्यू मॉल बन रहा है, आप लोग देख सकते हैं। यहाँ पे फवारे भी लगे हुए हैं जो कि कलरफुल फवारे हैं, और ये देखिए कितना अच्छा बनाया हुआ है। और ये है गोल चक्कर, यहाँ से आप मेरठ जाना हो या न्यू बस अड्डा, पुराना बस अड्डा, तो आप यहाँ से जा सकते हैं। आप लोग देख सकते हैं कितना ज़्यादा ट्रैफिक है रोड पे, आप लोग देख ही सकते हैं कितनी गाड़ियाँ पास होती हैं। तो दोस्तों ये रोड ऐसा है जो सारा दिन चलता रहता है। हेलो दोस्तों, आशा करता हूँ सभी लोग स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे। मैं अभी ऑफिस से घर पहुँच रहा था तो मैंने सोचा क्यों ना आप लोगों के लिए एक नया ब्लॉग बना लिया जाए। ये मेरा इवनिंग ब्लॉग है, मैं आप लोगों के लिए ब्लॉग लाता रहता हूँ, मॉर्निंग का ब्लॉग और इवनिंग का ब्लॉग, हर टाइम दो टाइम का ब्लॉग डालता हूँ। तो सभी लोग मेरे चैनल से जुड़े रहें ताकि मेरे ब्लॉग को टाइमली देख सकें, और मेरे वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब ज़रूर कर लें मेरे चैनल को। दोस्तों जब भी मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुंचती रहेगी, जब आप सब्सक्राइब करेंगे, बेल आइकन को प्रेस करेंगे, आप लोग बेल आइकन को प्रेस नहीं करेंगे तो मेरी नोटिफिकेशन वीडियो की कैसे पहुंच पाएगी। तो दोस्तों सभी लोगों का साथ, सभी लोगों का सपोर्ट चाहिए। अभी मैंने बताया है मेरे वीडियो में, प्रीतो जी की अभी तबीयत सही नहीं है, अभी उनको आराम नहीं मिला है। जैसे ही उनको आराम मिल जाएगा, सभी लोगों की दुआएँ रहेंगी तो जल्दी ही आराम मिल जाएगा। तो जैसे ही उन्हें पूरी तरह आराम मिल जाएगा तो मैं आपको, आपके लिए प्रीतो जी के साथ एक नया ब्लॉग बनाऊंगा, और मैं आपको दिखाऊंगा अभी उनकी कि वो स्वस्थ हो गई हैं। तो दोस्तों अभी थोड़ी सी उनकी तबीयत सही नहीं है, तो आशा करते हैं सभी लोग दुआ करो प्रीतो जी जल्दी से सही हो जाए और मेरे साथ ब्लॉग में आ जाएं। तो अगर आपको मेरा ब्लॉग अच्छा लग रहा हो तो प्लीज़ अपना लाइक, कमेंट, शेयर कर देना। तो दोस्तों पहुँचते हैं घर पर और ब्लॉग को एंड करते हैं। हेलो दोस्तों, फाइनली मैं पहुंच गया हूं घर पे, और आज आपको दिखाया कि कैसे लोग वाग गरीबी में कितनी मेहनत करते हैं, और आप लोगों को मैंने दिखाया कि कितनी देर तक कुछ महिलाएं काम कर रही थी। तो वो बेचारी गरीब परिवार से थी, तो वो अपने बच्चों का पेट पालने के लिए काफ़ी लेट नाइट तक काम करती हैं। तो मैंने अपने वीडियो में आप लोगों को दिखाया था। तो वीडियो को एंड करने से पहले मैं आरओ को दिखाना चाहूँगा। ये आप देख सकते हैं आरओ लगे हुए हैं खेलने में, और ये कुछ गेम खेल रहे हैं। आप देख सकते हैं ये ब्लॉक्स बना रहे हैं, ब्लॉक्स के साथ खेल रहे हैं। क्या बना रहे हो? आ रहा हूँ, क्या बना रहे हो? और ये प्रीतो जी अपना पर्स उठा के कहाँ जा रही हैं आप लोग देख सकते हैं। अच्छा, कवर्ड में रखने जा रही हैं प्रीतो जी पर्स को, कवर्ड में रखने जा रही हैं, और आरव जी यहाँ पे खेल रहे हैं, आप लोग देख सकते हैं। हेलो दोस्तों, तो फिर आज के लिए मेरे इवनिंग ब्लॉग में इतना ही, तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट मॉर्निंग ब्लॉग में। तो जब तक के लिए जय हिंद जय भारत दोस्तों, मिलते हैं कल नई एनर्जी और नए ऊर्जा के साथ। तो जब तक के लिए बाय बाय दोस्तों, सभी लोग स्वस्थ रहें, अच्छे रहें, खुश रहें।